हेलो गाइस एंड वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह हम पहुंचे हैं वाराणसी और ये पीछे देख रहे हो ना वाराणसी जंक्शन, यहीं पर अपन रुके हुए हैं। एसी डोरमेट्री ली हुई है तो अभी तो बहुत जोरदार भूख लग रही है, तो पहले चलते हैं, सबसे पहले लंच करने हैं। स्टेशन के पास में ही है तो आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ पर आ रहे हो ना तो सस्ते में बेहतरीन खाना आप क्या खा सकते हो, कौन सा रेस्टोरेंट है। तो चल रहे हैं यहाँ पर, आपको पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद जो स्टे यहाँ पर हम किए हुए हैं ना वो जगह भी आपको दिखाएंगे, जो एसी डोरमेट्री है यहाँ पर रिटायरिंग रूम भी बने हुए हैं तो वो दिखाएंगे। आप वहाँ पर सस्ते में रुक सकते हो, मतलब होटल से तो बहुत ही चीप प्राइस आपको मिलेगा यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हो 12 घंटे प्लस 24 घंटे। स्टेशन के सामने जो फ्लाईओवर है ना इसी के नीचे से निकल के जहाँ यहाँ पर ये नेताजी टी स्टॉल के बगल से रोड जा रही है ना अंदर को, बस यहीं पर है अपना रेस्टोरेंट जहाँ पर अपन चल रहे हैं लंच करने। तो अभी स्टेशन के सामने जो रोड थी उसको क्रॉस करके अपन आ चुके हैं और यहाँ पर ना लाइन से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पर आपको बढ़िया खाना मिल जाएगा। और ये पीछे देख रहे हो ना जाऊ यादव भोजनालय, तो यहीं पर आज अपन लोग अपना जो है लंच करने वाले हैं, बढ़िया हैवी सा यहाँ पर लंच करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो ना लाइन से भाई रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है और जाओ यादव भोजनालय, तो यहीं पर आज अपन लोग अपना लंच करने वाले हैं। ये देखो यहाँ चाय भी आपको बढ़िया कुल्लड़ वाली अदरक वाली मिल जाएगी। चाय कितने की, 10 की है ना, 10 रुपए की चाय यहाँ पर कुल्लड़ में मिल जाएगी आपको बढ़िया। और ये देखो यादव जी का भोजनालय है तो भाई दूध तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। और थाली का यहाँ पर सिस्टम चलता है, थाली का सिस्टम बहुत बढ़िया है। ये देखो 80 रुपए की थाली है, इसमें की रोटी सब्जी दाल फ्राई सूखी सब्जी खीर पापड़ चोखा मिलेगा। 70 वाली थाली भी है, 50 वाली थाली भी है, तो अपने जो है आप प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी थाली लेना चाहो ले सकते हो। तो यहाँ पर 80 वाली जो थाली है ना वो अपन ने ऑर्डर कर दी है। ये आ चुकी है अपनी गर्मा गर्म थाली और इसमें देखो हम दिखाते हैं आपको क्या क्या है। इसमें है ये दाल फ्राई, ठीक है, ये आलू मटर की सब्जी, ये मटर पनीर की सब्जी है, ये चोखा चटनी सैलेड में प्याज है, पापड़ और ये बटर रोटी। मटर रोटी नहीं, यहाँ पर आपको घी में मिलेगी रोटी एकदम घी में एकदम तर। और मोनू भाई भी है साथ में, प्योर भाई देसी घी के साथ। इससे पहले एक बार खा चुके हो ना भाई? एक बार नहीं दो बार। लंच अपन ने कर लिया है, रेस्टोरेंट से अपन निकल आए और सामने जो है ना वाराणसी जंक्शन है वहीं पर अपन रुके हुए हैं आज डोरमेट्री में। एसी डोरमेट्री लिए हुए हैं तो चलो आपको दिखाते हैं कि डोरमेट्री कैसी है, क्या उसका प्राइस है, 24 घंटा 12 घंटे के हिसाब से रहता है, तो चलो चल रहे हैं वहीं दिखाते हैं। और वैसे आपको स्टेशन के जस्ट सामने ही यहाँ पर देखो पूड़ी छोला और लिट्टी वगैरह मिल जाएगा और चाय वगैरह ही मिल जाएगी, तो आप नाश्ता वगैरह तो यहाँ कर सकते हो। और ये है वाराणसी जंक्शन और वाराणसी जंक्शन के बगल में ही आप ये डिस्प्ले देख रहे हो ना, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल के यहाँ पर आपको सीधे सीधे यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे, यहाँ पर वीडियो चलता ही रहता है। तो वाराणसी जंक्शन से एंटर होते ही एक नंबर प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर देखो एक वेटिंग हॉल बना रखा है और इंटीरियर देख रहे हो ना स्टेशन का कितना शानदार है भाई, एकदम मस्त इंटीरियर है इस रेलवे स्टेशन का। और अपन अब आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे ही यहाँ पर जो है रिटायरिंग रूम प्लस डोरमेट्री बनी हुई है। चलो अंदर चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको जहाँ आज अपन लोग रुके हुए हैं। और यहीं पर ऊपर ही आपको आईआरसीटीसी का जन आहार मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप खाना पीना खा सकते हैं अगर डोरमेट्री में रुके हैं। और ये लो ये आ गए अपन लोग डोरमेट्री, तो ये है बुकिंग ऑफिस इस डोरमेट्री और रिटायरिंग रूम का। तो यहाँ पर आप आके अपना पीएनआर आधार नंबर वगैरह लिखा के बुक कर सकते हो हाल के हाल। और डोरमेट्री की हम आपको प्राइस बता देते हैं, तो अगर आप 12 घंटे के लिए लेते हो एसी डोरमेट्री 220 की पड़ेगी, नॉन एसी पड़ेगी 165 की 12 घंटे की, और 24 घंटे के लिए एसी डोरमेट्री आप लोगे तो 330 की पड़ेगी, नॉन एसी 220 की पड़ेगी। और सिंगल बेड रिटायरिंग रूम अगर आप लोगे 24 घंटे के लिए तो 550 का सिंगल बेड रिटायरिंग रूम लोगे आप 12 घंटे के लिए तो ये पड़ेगा आपको 330। डबल बेड लोगे 24 घंटे के लिए तो 660, 12 घंटे के लिए 440। चलो अब अंदर चलते हैं जहाँ अपन रुके हुए हैं एसी डोरमेट्री में। ये रही एसी डोरमेट्री और ये देख रहे हो ना पूरे स्टेशन पे बढ़िया सा जो है वाराणसी को दर्शाया गया है, जो पूरा वाराणसी है देखो, गंगा आरती की फोटोज वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये है घाट, ठीक है, चलो अंदर चल रहे हैं आपको डोरमेट्री दिखाते हैं। ये है भाई डोरमेट्री, इस डोरमेट्री की एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो बेड्स है ना सब सेपरेट कर रखे हैं, देख रहे हो ना पूरे सेपरेट बेड हैं। यहाँ पर एक मिरर दिया गया है, यहाँ पर सभी जो बेड है ना एकदम सेपरेट है। यहाँ ये बढ़िया अपना लगेज वगैरह रखो, यहाँ छोटा सा एक डस्टबिन है और बगल में ही एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, तो अपना बढ़िया जो भी चार्ज वगैरह करना है चार्जिंग सॉकेट से कर सकते हो। और ये लॉकर दिया है यहाँ पर, आपके पास अपना ताला है आइए सामान रखिए और इसको लॉक करिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो काफ़ी बड़ा है, मतलब नॉर्मल साइज़ का जो बैग है ना वो तो आराम से इसमें आ ही जाएगा। और ये है पूरा लुक इस एसी डोरमेट्री का,
और इस एसी डोरमेट्री के ना, अब आप सोच रहे हो कि वॉशरूम कहाँ है, तो डोरमेट्री का ना कॉमन वॉशरूम रहता है, तो ये देखो अंदर की साइड ही टॉयलेट। इसमें अपन जाएंगे तो ये है एसी डोरमेट्री का वॉशरूम। यहाँ बेसिन वगैरह दिया है, गीजर मिल जाएगा बढ़िया यहाँ पर, आप अपना स्विच ऑन करो, पानी गर्म करो, ये है नल, अंदर बाल्टी है, भरो नहाओ धो बढ़िया। और यहाँ से जो टॉयलेट है ना, वहीं से आपको मिलेगा स्टेशन का नज़ारा, ये देखो रेलवे स्टेशन के ऊपर की साइड ही है क्योंकि अपन। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आप कभी रुके हो वाराणसी जंक्शन पे तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आपसे मिस नहीं हो। और ट्रेन लवर सच में अपनी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।